पेट की बीमारियाँ, जिनको कब्ज बहुत रहता है, 99% लोग तेजी से खाते हैं। धीरे धीरे खाना शुरू कर दो, कब्ज दूर हो जाएगा। आप जितना टाइम भोजन में लगा रहे हो, आप आधा घंटा कम से कम भोजन में लगना चाहिए। मैंने हिसाब किताब खूब लगा के देखा है, मध्यम आहार आप लेते हैं। ज़्यादा खाने वालों को तो हो सकता है 1 घंटा भी खाना पड़े, वैसे खाना भी अपने आप ही कम हो जाता है जब धीरे धीरे खाते हैं। तो आधा घंटा कम से कम खाने में लगना चाहिए। नाश्ता थोड़ा कम होता है, 1 कटोरी भर होता है, इसमें थोड़ी सब्जी आदि थोड़ा ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है। वैसे हमने बोला ज़्यादा आहार नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके 4 बार लेना चाहिए। तो आधा घंटा भोजन का दोपहर शाम का, और दोपहर आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, और नाश्ते का करीब 15 मिनट, 15 से 20 मिनट चबा चबा के खाते हैं ना, तो लगता है। कुछ लोग ना 5 ही मिनट में खाना खा लेते हैं, 10 मिनट में तो पूरा फिनिश कर देते हैं, थाली पूरी अंदर कर देते हैं। ये ठीक नहीं है। ऐसे खाते हैं, चावल भी खाते हैं तो भर भर के मुट्ठी, रोटी खाते हैं तो 1 रोटी के 2 ही टुकड़े करते हैं कुछ तो, और वो भी 1 हाथ से इधर से तोड़ा और 4 टुकड़े करते हैं कुछ लोग। मैंने, अरे भाई ये ऐसे खाने के ऊपर इतना ज़्यादा क्रूरता मत करो। हाँ? नहीं तो कब्ज के लिए सबसे अच्छा होता है अमरूद, गोवा। गोवा आजकल बहुत जूस भी बहुत पीने लग गए लोग। अमरूद बहुत अच्छा है पेट के लिए, कब्ज के लिए। दूसरा सेब चबा चबा के खाओ। और ये सुनो, जिनका डाइजेशन बहुत वीक होता है ना, खाया पिया हजम नहीं होता, भूख नहीं लगती है, सुबह खाली पेट सेब खा लो एक, और सेब छिलके से देखो। कुछ लोगों में बहम रहता है सेब पे पेस्टिसाइड बहुत होते हैं। सेब के अंदर जो पेस्टिसाइड यदि होते हैं तो अंदर तक होते हैं, कोई छिलके छिलके पर कोई पेस्टिसाइड नहीं रुकता, वो जो भी जाता अंदर तक चला जाता है। तो उसको अच्छे से गर्म पानी से धो लो और कपड़े से उसको पूछ लो फिर रगड़ के। मैं छिलके सहित खाता हूँ, और मैंने देखा सुबह खाली पेट खाली सेव खाओ और कुछ मत खाओ, एक सेव खा लो, आपको आधा घंटे में 1 घंटे में तो ऐसे कड़ाकेदार भूख लगेगी, दवाई का काम करता है। सुबह सुबह खाली पेट सेव खा लो। और ये अंग्रेज लोग होते हैं ना, सुबह सुबह एक सेव जरूर खाते हैं, क्योंकि इनका दारू बहुत पीते हैं, मीट खाते हैं, तो इनका लीवर बहुत खराब हो जाता है। और जितने ये मांस खाने वाले लोग हैं ना, ये सब हरड़ बहुत खाते हैं। क्यों? और ख़ास करके जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, ये हरड़ का चूर्ण बहुत खाते हैं। सुनो, सात्विक आहार करने वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आपका डाइजेशन बहुत लोगों का ख़राब रहता है, पेट की बीमारी तो 99% लोगों को है। सुनो, पेट किसका स्वस्थ है? जिसको सुबह दोपहर शाम 3 बार कड़ाके की भूख लगती हो, एक बात, जिसको गैस ना बनती हो। बहुत से लोग तो यहाँ बैठे बैठे भी 10-20 बार तो इधर उधर करके और काम करते रहते हैं बीच बीच में। जब ये मोटे आदमी होते हैं ना, उनको मतलब थोड़ा पोजीशन लेनी पड़ती है, नहीं तो वो कार्यक्रम शुरू ही नहीं होता। तो बहुत गैस बनती है। अच्छा, थोड़ी गैस बने तो समझ में आती है बात, थोड़ी बहुत तो गैस किसी को भी बन जाती है, सामान्य किसी किसी को तो इतनी गैस बनती है, मतलब बहुत, मतलब वो पूरा ध्यान समाधि लगा के उसको छोड़ते हैं, नहीं तो इतना भयंकर पटाखा फूटे कि यहाँ सत्संग करना मुश्किल हो जाए। बहुत गैस बनती है लोगों, छोटे बच्चों को गैस बनती है। कई बार मैंने सुना है कि एक क्लासरूम में विद्यार्थी ने ऐसा छोड़ा, मास्टर जी है बेहोश हो गए। किसी किसी बच्चे को इतनी गैस बनती है, वो कुछ बच्चे तो टॉयलेट जाके ही नहीं देते, सुबह टॉयलेट होता ही नहीं उनको, वो क्लास में जाने के बाद में वहाँ क्लास में जाकर के फिर बाथरूम जाना पड़ता है उनको। और किसी किसी बच्चे को तो इतना हार्ड बल होता है, उनको बच्चों को ही दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, इतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन छोटे बच्चों को। क्यों? सब बच्चे मैदा वाली चीज़ें, मैगी, फिर बिस्किट, फिर चॉकलेट, सब
चिपकने वाली चीजें, ये चॉकलेट जाके दांतों में चिपकती है, आंतों में चिपकती है, फिर मैदा चिपकता है, मैगी चिपकती है, नूडल चिपकता है, फिर और ये बिस्किट चिपकता है, फिर और उल्टी पुल्टी चीजें बहुत खाते हैं ना बच्चे, ये पेट को खराब करती हैं। फिर बड़ों की भी हालत खराब है, बच्चे मैदा वाली चीज़ें और ये चॉकलेट और तमाम तरह की चीज़ें, इसके लिए हमने एनर्जी बार का विकल्प बनाया, आटा नूडल बनाया, आटा वाले बिस्किट बनाया, हेल्दी फूड उपलब्ध कराया। बड़े वालों की क्या आदत खराब है, ये चिकना ही बहुत खाते हैं, ताकत के चक्कर में घी खाएंगे और तमाम तरह की चिकनी चीज़ें, घी और बहुत भारी चीज़ें खाते हैं, वो अंदर हजम ही नहीं होता। अरे जो खाओ डाइजेस्ट होना चाहिए ना, ताकत के चक्कर में खाए जाते हैं, ताकत आएगी ताकत आएगी, अरे ताकत तेरे भीतर ही नहीं है, ताकत आएगी का ताकत सारी खत्म कर रखी। सुनो कपाल भाति किया करो, इससे कब्ज दूर होता है। हल्का आहार लिया करो, पौष्टिक आहार लिया करो, सात्विक आहार लिया करो, और फिर सेव खाली पेट खाओ सुबह सुबह, पपीता, अमरूद, ये कब्ज को दूर करने वाली चीजें, मुनक्का अंजीर, ओहो बहुत जबरदस्त है मुनक्का, 2-1 घंटे पहले भिगो दो मुनक्का अंजीर ना, तो और उसका पानी भी, जो पानी जिस पानी में भिगोते हो ना, जैसे 10-15 मुनक्का भिगोया आपने, और 3-5 अंजीर इतना पर्याप्त रहता है, 3 अंजीर 10-15 मुनक्का, उसको बीज निकाल के गर्म पानी में धो लो, पहले गर्म पानी में धो लो मुनक्का को। और काली द्राक्ष भी आती है इधर गुजरात में और दिल्ली आदि में, इधर कई अलग अलग कई कुछ बार से भी आते हैं, हमारे यहाँ भी तैयार होने लगी काली द्राक्ष या ये मुनक्का, बहुत अच्छा होता है, किशमिश से भी ज़्यादा अच्छा होता है मुनक्का ना, गुणों की दृष्टि से। और सच में हीमोग्लोबिन बढ़ाना हो या कॉन्स्टिपेशन मिटाना हो कमज़ोरी के लिए, तो 10-15 मुनक्का उनका गर्म पानी से धो के उसका बीज पहले निकाल दो और फिर भिगो दो एक कटोरी में, और उसी में अंजीर भी भिगो सकते हैं, दो ही घंटा पहले भिगो दो, तो मुनक्का और अंजीर खाओ, पेट बहुत अच्छा रहता है, डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, कमज़ोर भी नहीं रहती है। खैर पेट के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है।